अर्रा बुरहान रब्बी कदालिक लिनसरिफ अन्हु सुअ वल फहशा। यहाँ से इंशाल्लाह मैं आज इसकी तफसीर शुरू करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहम बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। कुरान कहता है अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कोई वाज़े बुरहान न देखते तो इस बुराई में मुबतला हो जाते। वो वाज़े बुरहान क्या थी, वो वाज़े दलील क्या थी, इसका पहले जिक्र हो चुका है, पिछले एपिसोड में मैं बयान कर चुका हूँ कि उन्होंने इसका हवाला दिया इन्नहु रब्बी अहसना मथवाया, कि इसका जो मालिक है मेरा, मौला है मेरा, उसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया है। और भी अल्लाह की नेमतें उस वक्त आपके जहन में आई होंगी, उन तमाम चीज़ों को बुरहान से ताबीर किया गया है। कदालिक लिनसरिफ अन्हु सुअ वल फहशा, इस तरह हुआ ताकि हम उनसे रोक दें, दूर कर दें बुराई को और बेहयाई को। यानी ये अल्लाह ने उनको बुरहान क्यों दिखाई, उनका दिमाग इस तरफ क्यों गया, उनका जहन इस तरफ क्यों गया, ताकि हम उनसे बुराई को रोक दें और बुराई से बचने की उनको गोया हमने तौफीक दे दी। क्यों तौफीक दी अल्लाह तूने इनको बुराई से बचने की? इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, इसलिए कि वो हमारे बंदों में से थे, ऐसे बंदे जो सेलेक्टेड होते हैं, जिनको हमने अपने लिए खालिस कर लिया होता है। तो जाहिर है ऐसे नेक लोगों को के साथ अल्लाह की खुसूसी मदद शामिल हाल होती है। इस आयत से हमें यह भी पता चलता है कि इंसान नेक होता है तो अल्लाह की मजीद मदद होती है, और अल्लाह की मदद से फिर वो मजीद गुनाहों से, मजीद बुराइयों से बचता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लाजिम मलजूम हैं। आप नेक बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी, आप मजीद नेक बनेंगे। तो इसलिए इस आयत का हासिल यही है कि अगर हम सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो कभी अगर हमारे कदम डगमगाने लगते हैं और किसी बड़ी आजमाइश में हम पड़ जाते हैं तो अल्लाह भी फिर हाथ थामता है और हमें बुराई से बचाने की तौफीक अता फरमाता है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिमाग में जो, जहन में जो उस वक्त इस गुनाह की यानी बहुत ज़्यादा बुरे होने के जो दलाइल आ गए ना, ये भी तो एक दिमाग में ऐसी चीज़ का आना भी तो अल्लाह की तौफीक से होता है। वस्तबक़ल बाब, और वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, और जो अज़ीज़ मिस्र की जौजा थी उसने आपकी कमीज को फाड़ डाला पिछली तरफ से। वल्फया सैयदहा लदल बाब, अब जब दरवाजे से आगे निकले हैं, बहुत सारे दरवाजे थे, जैसे शाही महलात में बड़े बड़े घर कमरे हुआ करते हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। और कुरान से पता चलता है वगल्लकतिल अबवाब, उसने दरवाजे बंद कर दिए थे। गल्क का असल माना होता है ताला लगाना, यानी प्रॉपर तरीके से बंद कर देना। तो इससे मालूम होता है उसने दरवाज़ों को ताला लगा के या कुंडी लगा के बाकायदा बंद किया था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत तेज़ी से भागे और जाहिर है उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकले हैं तो देखा कि सामने जो बादशाह, जो जुलेखा का जो शौहर है, अज़ीज़ मिस्र है, वो खड़ा हुआ है। قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا। अच्छा, इस बारे में ना जो बहुत सारी मनगढ़ंत रिवायतें भी हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की छवि देख ली थी, उसको देखकर आपको बुराई से बचने का ख्याल आया, और जुलेखा ने इतने मोटे मोटे ताले डाले हुए थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दरवाजे की तरफ जाते मौजज़ाती तौर पर वो ताला खुल जाता। इन ऐसी हमें कोई मुस्तनद रिवायतें इस बारे में नहीं मिलती। तो मैं तफसीर के लेक्चर में वही बात की कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल मुस्तनद, सही सनद के साथ और सही दलील के साथ साबित हो। قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا। जुलेखा साहिबा कहने लगी कि जब अपने मियाँ को देखा ना उसने, तो जाहिर है इंसान का दिमाग जाता है भाई ये क्या हो रहा है, तो फौरन कहने लगी आप मुझे ये बताइए कि जो शख्स आपकी बीवी के साथ, आपके अहल के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इल्ला अयुसजन, सिवाय इसके कि उसको जेल में डाल दिया जाए, औ अजाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब दिया जाए, बहुत सख्त सज़ा दी जाए। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ना, पिछले लेक्चर में, कि जब इंसान चलाकी करता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। वो होना ये चाहिए था नॉर्मली कि अज़ीज़ मिस्र पूछता कि भाई ये क्या है, तो वो जो जुलेखा थी वो कह देती कि भाई ये झूठ बोलना था ना, उसने तो इस तरह से भी झूठ बोल सकती थी ना कि भाई ये मेरे ऊपर तोहमत लग, ये मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर माज़ अल्लाह बुरी नज़र डाली हुई है, तो
जो है बाप के सामने है, आपने जो सज़ा देनी है दें। मैं क्यों मशवरा दूँ कि इसकी सज़ा जेल होनी चाहिए या कोड़े होने चाहिए या दर्दनाक अजाब होना चाहिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो वो एतदाल के साथ कभी ऐसा आदमी बात नहीं करता, हमेशा वो क्या करेगा, बड़ी सियासी चाल के साथ ना, कि ऐसा इंप्रेशन सामने वाले पर जाए कि वो समझे कि इससे ज़्यादा सच तो दुनिया में किसी ने बोला ही नहीं है। यहाँ भी जुलेखा ने गड़बड़ क्या की, नंबर एक, बादशाह से के सवाल किए बगैर खुद ही बोलना शुरू कर दिया। नंबर दो, बोलने में इल्ज़ाम नहीं लगाया कि यूसुफ ने मुझे वरगलाने की कोशिश की है, बंद कमरे में मुझसे बुराई की कोशिश की है, ना ना ना, बल्कि ये दोनों बातें साइड पे रख के ना उससे पूछ रही है कि अब सज़ा बताएं कि उसकी सज़ा जेल हो या कोई और अजाब हो। यानी इस पर तो हमने बहस करनी नहीं है कि मुजरिम है कौन, ये चलाक लोगों का तरीक़ेकार हुआ करता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाला हिया रावदतनी अन नफ्सी, इसने मुझे मेरी ज़ात से वरगलाने की कोशिश की है। व शहीद, अब ज़ाहिर है जब यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि सच्चे थे ना, तो उन्होंने कोई ईरान तुरान कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की है, सीधी सी बात की, भाई ये इल्ज़ाम गलत लगा रही है मेरे ऊपर। तो इससे भी हमें एक इशारा मिलता है कि जो हकपरस आदमी होता है ना, वो टू द पॉइंट बात करता है, वो बातों को ईरान तुरान करके घुमाता नहीं है। आज लफाजी का दौर है ना, सहाफ़ियों में लफाजी देखें आप और एंकर्स में लफाजी देखें आप, जो जितना झूठ बोलता है उतना ही बातों को घुमा घुमा के लंबी डिटेल में जा जा के बातों को उलझा रहा होता है वो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर से जुमला कहा, ही अरावदतनी अन नफ्सी, इसने मुझे मेरी ज़ात से वरगलाने की कोशिश की है, मैंने बुराई की कोशिश नहीं की। वशाहिद शाहिद मिन अहलिहा, तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ही के ख़ानदान में से एक शख्स ने गवाही दी। ये कौन था, हदीस से पता चलता है ये बच्चा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बच्चे ऐसे हैं जो बचपन में जिन्होंने जो बोले हैं, और एक रिवायत में आता तीन बच्चे ऐसे हैं, तो उनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के शाहिद का भी तस्किरा है। अब ये बच्चा बिल्कुल दूध पीता बच्चा था या नाबालिग बच्चा था, इसके बारे में मुफस्सरीन की दोनों राय हैं। अगर ये दूध पीता नाबालिग बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, फिर तो इसका बोलना ही एक किस्म का मोजज़ा है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए वो बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि ज़ाहिर है दूध पीता बच्चा, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में गवाही दी कि मेरी माँ जो है वो माँ अल्लाह बदकार नहीं है, वो पाकदामन है, तो उसकी गवाही शरण मोतबर थी, क्योंकि ये मोजज़ा, ये तो अल्लाह के अलावा तो नहीं कोई बुलवा रहा ना उससे। तो यहाँ भी अगर ये नाबालिग ये दूध पीता बच्चा था तो इसका बोल देना ही काफ़ी था, इसका इतनी गवाही दे देना ही काफ़ी था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, यही हुज्जत के लिए काफ़ी था। लेकिन चूंकि वो काफिर कौम थी, इसके बारे में डर था कि ये इस मोजज़े के होते हुए भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाकदामन ना समझें और इसको जादू से ताबीर करें, तो इसलिए उस बच्चे ने करीना भी बयान कर दिया। वो करीना ये था कि इनका ना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन, कि भाई अगर कमीज़ सामने से फटी हुई है तो फिर ये जुलेखा सच्ची है और माज अल्लाह ये यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। और इनका ना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन, अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो ये सच बोल रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठ बोल रही है। देखें उसूली तौर पर, यानी पहले तो मैं ये बता दूं ऐसा करीना क्यों, इसलिए कि जब कुर्ता पीछे से फटा है तो इसका मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे भाग रहे थे, जुलेखा पीछे थी, और अगर आगे से फटा है तो इसका मतलब ये कि यानी मामला इसके बरक्स है यार। तो पीछे से कुर्ता फटा होना तो बहरहाल इसकी अलामत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे भाग रहे थे, अगर आगे से कुर्ता फटा होना किसी चीज़ की भी अलामत नहीं है, लेकिन उसने यानी एक बात को मुकम्मल करने के लिए ये बात कही है। तो ये एक करीना है इस बात का कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है। लेकिन खूब समझ लें, किसी पर जिना की तोहमत के लिए ये दलील काफ़ी नहीं है शरई तौर पर कि कुर्ता उसका आगे से फटा है या पीछे से फटा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, यानी ये कोई शरई दलील नहीं है, खूब समझ लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे हो सकता है कि एक मर्द जो है वो औरत से जिना की कोशिश कर रहा हो और अपना कुर्ता खुद अपने हाथ से पीछे से फाड़ ले, ताकि बाद में जब मैं पकड़ा जाऊं तो मैं ये कह सकूं कि मैं आगे आगे भाग रहा था, ये पीछे थी, तो ये कोई दलील नहीं है शरई तौर पर। इसलिए जिना में की तोहमत में इन चीज़ों का शरण कोई एतबार नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक करीने के तौर पर इसको पेश किया जा सकता है। जैसे जब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, अदालत इन्वेस्टिगेशन करती है, तो असल मदार तो गवाह पर होता है, लेकिन उसके लिए कराइन देखे जाते हैं, सियाको सबाक देखा जाता है, जाय वारदात देखी जाती है, उससे जज जो है सही फैसले तक पहुंचने में ये तमाम चीज़ें उसके लिए मुआविन और मददगार होती है। तो ये चीज़ें एक
सही फैसला करने में मुआमिल और मददगार तो हो सकती हैं, लेकिन इन पर यकीनी हुक्म का मदार नहीं होता। तो यकीनी ये था कि उस वो बच्चा जो था वो मौजज़े के तौर पर बोला है। दूसरी बात यह कि अगर वो बच्चा बड़ा हो चुका था, नाबालिग था बच्चा, मगर ये कि बोलने के काबिल था वो, तो भी यहाँ पर ये बात है कि फिर ये उसका बयान ये भी एक किस्म का करीना है कि एक समझदार बच्चा था जिसने ये कहा कि भाई ठीक है, इस बात का इम्कान तो मौजूद है कि कोई शख्स भागने के बाद अपना कुर्ता खुद बखुद पीछे से फाड़ ले, लेकिन ज़ाहिर है इत्तिफाकी वाकयात में इस तरफ किसी का दिमाग नहीं जाता। जब ऐसे दौड़ लग रही होती है और कुर्ता पीछे से फटा है तो ये वाज़े करीना इस बात का है कि ज़ुलैखा की तरफ से ज़्यादती हुई है। जब तक कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई इससे मजबूत करीना पेश नहीं करती तो हम इसी को गलत समझेंगे। तो अगरचे ये यकीन के दर्जे में नहीं है, लेकिन ये करीना बहरहाल है इससे। और फिर जो मुजरिम होता है ना, उस पर एक एहसास शर्मिंदगी भी होता है उसमें। जब कोई वाज़े करीने से उसका मुजरिम होना पता चल जाए तो आम तौर पर वो अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लेता है। तो बहरहाल कोई भी वजह थी, लेकिन इस बात को एक अलामत के तौर पर समझा गया कि वाकई कि ये कुर्ता भी पीछे से फटा हुआ है तो, और ये इतनी अफरा तफरी में काम हुआ है तो ये वाज़े इस बात की अलामत है कि ये जो इब्तदा हुई है ये ज़ुलैखा की तरफ से हुई है। इसलिए कुरान कहता है कि फलम्मा रआ क़मीसहु क़ुद्दा मिन दुबुरिन, जब अज़ीज़े मिस्र ने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, क़ाल इन्नहु मिन कैदी कुन्ना, तो वो कहने लगा कि ये जो काम तुमने किया है ना, अभी जो बातें बनाई हैं तुमने, ये तुम्हारी बुरी तदबीरों में से एक तदबीर है। यानी ख़ुद तुमने यूसुफ़ को वरगलाने की कोशिश की और फिर ऐसे बेहतरीन तरीके से उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पूछ ही नहीं रही है वो कि सही कौन है गलत कौन है, मुझे सफाई का मौका ही नहीं मिल रहा और मुझसे ये कह रही हो कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस तुम्हारा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त तुमने मकारी की है। यहाँ कैद का माना बुरी तदबीर है नहीं, जिसको अरबी उर्दू में मकारी कहते हैं, तुम्हारी मकारीपन है। इन न कैद कुन्ना अज़ीम, और फिर कहने लगा बेशक तुम औरतों की तदबीर बहुत बड़ी होती है। कैद कुन्ना ये जमा का सीगा है, एक होता ना कैदी की, इन न कई दकी, तो इसका मतलब है ज़ुलैखा ये तेरी तदबीर। यहाँ कह रहा है कईदा कुन्ना, तुम औरतों की तदबीर, तो मतलब ये है कि वो ज़ुलैखा ने अपने साथ और भी शायद कुछ औरतों को मिला लिया हो। और फिर एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा है, इन न कईदा कुन्ना अज़ीम, तुम औरतों की तदबीर होती ही ऐसी है, जब तुम मकर करने पर आती हो तो ऐसे ही मकर करती हो कि अच्छे भले आदमी की जो है वो खोपड़ी घूम जाए उसमें। यूसुफ अरिद अन हाज़ा, अब बादशाह को अंदाज़ा हो गया, और ज़ुलैखा भी, ये जब बादशाह ने कहा ना कि तुम्हारी तदबीर है ये, तो वो ज़ुलैखा भी खामोश हो गई। तो ये खामोश होना भी इसकी अलामत थी कि उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अब बादशाहों को आपको पता है बड़ा ख़तरा होता है, खौफ होता है कि अगर ये बात हमारे महल से बाहर निकल गई तो बदनामी तो मेरी ही है। अज़ीज़ मिस्र को इस बात का ख़तरा था, बादशाह नहीं, अज़ीज़ मिस्र को, कि अगर ये बात महल से निकल गई तो बदनामी तो मेरी ही होगी ना। तो अब वो सज़ा अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देता है तो टेंशन में, यानी अगर अपनी बीवी को ये साबित करने के लिए कि ये पाक दामन है और यूसुफ़ माज़ अल्लाह उन्होंने ये गलती की थी, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अगर जेल में डालता है तो भी बात लीक आउट होगी, भाई इसको सज़ा क्यों मिली है। और ज़ाहिर है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो जेल में डालना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अज़ीज़ मिस्र, हमें पता चलता है कि कुरान से ही, सियाक़ो सबाक से ही, कि वो एक यानी अखलाकी लिहाज से एक अच्छा आदमी था, तो एक बेगुनाह को जेल में डालना भी नहीं चाहता था। और अगर बीवी को सज़ा देता वो, तो दुनिया पूछती कि भाई एक शाही ख़ानदान की एक औरत को सज़ा क्यों मिल रही है, तो इससे बात लीक आउट हो जाती। तो अक्लमंद आदमी था, उसने अपनी और अपनी बीवी की इज़्ज़त बचाने के लिए यही रास्ता इख्तियार किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, यूसुफ़ अरिद अन हाज़ा, यूसुफ़ इस मामले से तू अब नज़रअंदाज कर दे, एराज़ कर, जो होना था हो गया, मेरा जहन साफ़ हो गया, अब तू इससे एराज़ कर। वस्तग़फिरी लिज़म्बी की, और अपनी बीवी से कहने लगा कि तू तोबा इस्तग़फ़ार कर अपने गुनाह पर, क्योंकि बहरहाल खुदा को मानने वाले थे। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तू मुझसे माफ़ी मांग, मेरी नाफ़रमानी तूने एक बार अपने